हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मर्चेंट नेवी के अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, किस पोस्ट का क्या काम होता है, कितनी वहां पे सैलरी मिलती है और क्या तरीका है मर्चेंट नेवी में जाने का। ठीक है, तो सबसे पहले एक मर्चेंट नेवी के एक एवरेज जहाज की बात करूं या फिर किसी भी जहाज की बात करूं, तो लगभग वहां पे आप मान के चलो कि 25 के आसपास जो है लोग नौकरी कर रहे होते हैं। अब जो 25 हो सकता है, कहीं पे कोई जहाज बड़ा है तो वहां पे 27, 28, 29 भी आपको मिल जाए, छोटा जहाज है तो 23, 24 भी मिल जाए, पर डिपेंड करता है किस तरीके का जहाज है। बहुत सारे तरीके के जहाज होते हैं, अलग अलग तरीके का कार्गो लोड करते हैं, तो इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपके जहाज पे कितने लोग होंगे। अब सबसे पहले भाई, जितने भी बंदे हैं वहां पे उनको आप तीन डिपार्टमेंट में तोड़ सकते हो। एक है आपका डेक का डिपार्टमेंट जो कि मेनली जहाज चलाने का काम करता है, दूसरा होता है आपका इंजन का डिपार्टमेंट जो कि जहाज का इंजन होता है और बाकी जो मशीनरीज हैं उन सब का रख रखाव और उनके देखभाल के लिए, तीसरा होता है गैली का डिपार्टमेंट जो कि खाना वाना बनाता है वो। ठीक है, तो सबसे पहले भाई जो डेक डिपार्टमेंट में जो सबसे बड़ी रैंक है वो है कैप्टन, फिर आता है चीफ ऑफिसर, फिर सेकंड ऑफिसर, फिर थर्ड ऑफिसर, और जो ट्रेनिंग पे जो बंदा होता है जो कि बाद में ऑफिसर बनने लगेगा, जो बंदा ट्रेनिंग पे होता है वो कहलाता है डेक कैडेट। ठीक है, इसी तरीके से इंजन डिपार्टमेंट आपका हो गया चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, एक वहां पे एक एडिशनल और होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ठीक है, बिजली का ऑफिसर आप कह सकते हो, और जो ऑफिसर बनने वाला है उससे पहले जिसकी ट्रेनिंग चल रही होती है वो कहलाता है इंजन का कैडेट। ठीक है, और ये बंदे यहाँ पे, ये तो हो गए ऑफिसर्स मतलब डेक के, ये वाले ऑफिसर्स हो गए इंजन के। अब ये हो गया इंजन का क्रू जो कि ऑफिसर नहीं है, और ये हो गया आपका डेक का क्रू, और ये बीच वाले जो मैंने तीन लिखे हैं ये हो गया आपका गैली का डिपार्टमेंट जो कि खाना वाना बनाता है। अब भाई सबसे पहले बात करते हैं, अगर सैलरी की अगर बात की जाए तो मोटा मोटे तौर पे देखो, वैसे सैलरी डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे कि आपके कितनी आपके सर्विस हो चुकी है, कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, कितना आपका एक्सपीरियंस है, कौन सी कंपनी है, आपको किस तरीके के जहाज पे भेजा जा रहा है, मतलब इन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि सैलरी आपकी कितनी होगी। भाई सबसे पहले कैप्टन की बात करें तो हाईएस्ट सैलरी शिप पे कैप्टन की होती है जो कि आप लगभग कह सकते हो 8 से 15 लाख के बीच जाएगी। शुरुआत में कोई बंदा नया नया कैप्टन बना है तो हो सकता है उसके 8 लाख हो, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा मतलब उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा मतलब सैलरी भी बढ़ती जाएगी। कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद सैलरी रिवाइज कर दी जाती है या फिर टाइप ऑफ जो शिप है उस पर भी डिपेंड करता है। मान लो एक तो जनरल कार्गो का शिप है जिसपे आप कोई एक नॉर्मल सामान लेके जा रहे हो, और एक आपका गैस कैरियर जिसपे गैस जा रही है, पेट्रोलियम कोई कैरियर हो गया आपका। ठीक है, मतलब एलएनजी कैरियर होते हैं उनपे सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलती है, तो इस बात पे भी निर्भर करता है कि वो कैप्टन किस जहाज पे है। अलग अलग जहाजों पे अलग अलग सैलरी, उससे नीचे होता है चीफ ऑफिसर 6 से 10 लाख पर मंथ। ठीक है, महीने की तनख्वाह बता रहा हूँ मैं। ठीक है, वैसे मिलते डॉलर्स में है क्योंकि इंडियन रुपीज में हम लोग मतलब खर्च करते हैं यहाँ पे इंडिया में पैसा, तो इसलिए मैं इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। फिर आता है सेकंड ऑफिसर की सैलरी, आप मानोगे लगभग 2 से 4 लाख के बीच होती है, डिपेंड करता है नया नया सेकंड ऑफिसर बना है 2 के आसपास, काफी एक्सपीरियंस हो चुका है तो, और अगर कोई बड़ा शिप है या फिर कोई मतलब आप मानो कोई एलएनजी कैरियर है, ठीक है, या फिर कोई आपका एलपीजी कैरियर हो गया, इस तरीके के जो शिप्स हो गए उनमें आपको ज्यादा सैलरी भी मिल जाएगी सेकंड ऑफिसर की। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट टैंकर हो गए, आपके केमिकल टैंकर्स हो गए, इन पर अच्छी सैलरी होती है। फिर थर्ड ऑफिसर की सैलरी आप मानो लगभग 1 से 2.5 लाख के बीच आपको मिल जाएगी महीने की। ठीक है, और एक डेक कैडेट जो कि ऑफिसर बनने से पहले जो ट्रेनिंग पे चल रहा था उसको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब खर्चे पानी के लिए थोड़ा बहुत पैसा जुगाड़ उसको मिल जाते हैं 25 से 40 हजार रुपए महीने के हिसाब से। ठीक है, ये हो गया डेक कैडेट की। मतलब यहाँ पे आप इंजन डिपार्टमेंट और डेक डिपार्टमेंट देखोगे तो लगभग सैलरीज कुछ कुछ रैंक्स के बराबर है, जैसे जो सैलरी कैप्टन की है वही सैलरी आपको लगभग मिल जाएगी चीफ इंजीनियर की। ठीक है, हो सकता है 100-200 डॉलर का फर्क हो ऊपर नीचे, बट नॉर्मली मिल जाती है। जो चीफ ऑफिसर की जो सैलरी है वही सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग सेकंड इंजीनियर की, जो सैलरी सेकंड ऑफिसर की है वही सैलरी आपको मिलेगी थर्ड इंजीनियर की। ठीक है, इसी तरीके से जो सैलरी आपकी, ये मान के चलो यहाँ पे एक आपको फोर्थ ऑफिसर आता है, फोर्थ इंजीनियर, और ये आपका हो गया थर्ड ऑफिसर, जो सैलरी आपके थर्ड ऑफिसर की है वही सैलरी आपको मिल जाएगी फोर्थ इंजीनियर की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर की सैलरी की मैं बात करूं तो इन दोनों के बीच में आपके कहीं ना कहीं लाई करती हुई मिल जाएगी भाई, थर्ड इंजीनियर और फोर्थ इंजीनियर की सैलरी के बीच में कहीं मिल जाएगा आपको इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को अगर ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया तो भी उसकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, जो डेक कैडेट की सैलरी है 25 से 40 हजार पर महीना वही आपको मिल जाएगी इंजन कैडेट की सैलरी। ठीक है, अब भाई बात आती है कि भाई इसमें एंटर कैसे किया जाए। भाई आपको पता है कि अगर आपको डेक डिपार्टमेंट में आना है और ऑफिसर बनना है कल को, तो उसका तरीका क्या है, आपके पास 12वीं में 12th क्लास में आपके पास साइंस साइड होनी चाहिए, और साइंस में आपके पास सब्जेक्ट होने चाहिए कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और इन तीनों सब्जेक्ट्स में आप लोगों के एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स होना चाहिए इन तीनों के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का एग्रीगेट
मतलब हो सकता है किसी एक में आपके 60 से कम हो, लेकिन इन तीनों के मिलके कम से कम 60% होने चाहिए। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, 12वीं में साइंस थी, पीसीएम सब्जेक्ट में आप 60% बना रहे हो, उसके बाद आप लोगों को आईएमयू सीईटी का एग्जाम देना होता है। आईएमयू सीईटी का आपका एग्जाम क्लियर होता है और किसी कंपनी से स्पॉन्सरशिप का टेस्ट क्लियर होता है, तो वो दोनों चीज होने के बाद आप किसी भी डीजी अप्रूव्ड कॉलेज के अंदर जो है डीएनएस का कोर्स कर सकते हो। वो डीजी अप्रूव्ड जो कॉलेज है वो आपको एडमिशन तभी देगा जब आपने आईएमयू सीईटी का एग्जाम क्लियर कर रखा हो और आपके पास कंपनी की स्पॉन्सरशिप हो। तो ये दोनों चीजें क्लियर होने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है एक साल की आपकी ट्रेनिंग होगी किसी भी कॉलेज में, ठीक है, जिस कॉलेज ने आपको एडमिशन दिया है। और उस ट्रेनिंग का खर्चा लगभग आ जाता है आज के टाइम में मान के चलो 6-7 लाख रुपए उस ट्रेनिंग का एक साल का खर्चा है। उसके बाद आप बन के आते हैं यहाँ पे डेक कैडेट, ठीक है। और ये जो आईएमयू सीईटी का जो मैं एग्जाम बता रहा हूँ जो क्लियर करना होता है, या फिर कंपनी स्पॉन्सरशिप का टेस्ट, अगर इसका आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए आईएमयू सीईटी का पास्ट पेपर के साथ, तो उसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से स्टडी मटेरियल ले सकते हो। सेम टाइम जैसे आप पेमेंट करोगे आपके ईमेल के ऊपर ऑटोमेटिकली जो है पीडीएफ आ जाएगी, आप फिर उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो ये तरीका है भाई, डेक कैडेट में आप आ जाओगे, उसके बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी कुछ एग्जाम्स क्लियर करने, आप बनोगे थर्ड ऑफिसर, फिर सेकेंड, फिर चीफ, फिर कैप्टन। डेक कैडेट की बात करूं मैं तो भाई यहाँ पे आप मान के चलो एक तरीके से आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है जहाज पे, 18 महीने की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। 6-6 महीने के 3 कॉन्ट्रैक्ट भी मरवाए जा सकते हैं, या 9-9 महीने के 2 कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। अब एक डेक कैडेट को जो है मतलब दुनिया भर का काम करना होता है, वो मतलब वॉचकीपिंग में भी असिस्ट करेगा ऑफिसर्स को, और सुबह से लेकर शाम तक उसका एक किस्म का रगड़ा रहता है, ठीक है। सुबह मान लो अगर वो चीफ ऑफिसर के साथ वॉच कर रहा है तो सुबह उठ जाएगा 4:45 बजे, क्योंकि 4 बजे है उसकी ड्यूटी स्टार्ट है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपको कैसे ऑफिसर्स मिले, उस हिसाब से आपका जो है रूटीन बनेगा डेक कैडेट के अंदर। सैलरी मैंने आपको बता दी 25 से 40 हजार के आसपास मिल जाता है डेक कैडेट को, प्रमोशन होकर थर्ड, फिर सेकंड, फिर चीफ और फिर कैप्टन, ठीक है। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। इसके बाद आप बनते हो थर्ड ऑफिसर। जैसे डेक कैडेट मैं अपने कैडेटशिप पूरी कर ली, एग्जाम्स क्लियर कर दिए, ओरल्स आपको सीओसी मिल गई, मतलब लाइसेंस मिल गया जहाज चलाने का, तो थर्ड ऑफिसर अब होता है सबसे छोटा ऑफिसर जो कि डेक का है, डेक का ऑफिसर जो कि जहाज चलाता है। अब थर्ड ऑफिसर का काम क्या होगा भाई, थर्ड ऑफिसर करेगा भाई सुबह 8 से 12 और रात को फिर से 8 से 12, ठीक है। सुबह 8 से 12 और रात को 8 से 12 जहाज चलाएगा, यानी कि 4-4 घंटे 2 बार, तो भाई पूरे 24 घंटे में 8 घंटे जहाज चलाएगा थर्ड ऑफिसर, 8 घंटे सेकंड ऑफिसर और 8 घंटे चीफ ऑफिसर। तो तीनों बंदे 8-8 घंटे जहाज चलाएंगे तो फिर 24 घंटे हो जाते हैं, ठीक है। और लगातार 8-8 घंटे नहीं चलाते, पहले ये 4, फिर वो 4, फिर ये 4, फिर से थर्ड ऑफिसर 4, सेकंड 4 और फिर चीफ 4, ठीक है। इस तरीके से चीजें चलती हैं यहाँ पे। उसके बाद जब आप सेकंड ऑफिसर बन जाते हो, देखो ये तो हो गया सिर्फ जहाज चलाने का काम, इसके अलावा भी काफी काम होते हैं थर्ड ऑफिसर के। थर्ड ऑफिसर क्या करेगा, जैसे आपके LSA FFA हो गए, LSA मतलब लाइफ सेविंग अप्लायंसेज, FFA मतलब फायर फाइटिंग अप्लायंसेज, जितने भी ये हैं जहाज पे उन सब की रख रखाव करना, उनका इंस्पेक्शन करना, ठीक है, उन सब चीजों को मॉनिटर करना, ये भी काम है थर्ड ऑफिसर का ही। इसके अलावा अगर और कोई काम असाइन कर दिया तो वो भी थर्ड ऑफिसर कर लेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका सेकंड ऑफिसर। सेकंड ऑफिसर जैसे आपको पता है कि भाई ये चलाएगा जहाज भाई दोपहर को 12 से 4 और फिर रात के 12 से 4 फिर से, यानी कि रात को भी जागेगा 12 से 4 तक और फिर दिन में दोपहर में फिर से 12 से 4 फिर से जहाज चलाना है, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ और काम होते हैं सेकंड ऑफिसर के। सेकंड ऑफिसर नॉर्मली जो है एक मेडिकल ऑफिसर भी होता है जहाज पे, जो एक छोटा सा हॉस्पिटल होता है जिसकी में दवाइयां वगैरह रखी होती हैं, उनका इंचार्ज, कौन सी दवाई खत्म हो गई है मंगवानी है, कौन सी एक्सपायर हो गई उसको साइड में करनी है, वो सब चीजें, किसी कोई बीमार हो गया तो उसको दवाई इश्यू करना, प्लस जो चार्ट्स होते हैं जहाज पे भाई नेविगेशन के लिए जिन चार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है उन चार्ट्स को अपडेट करना, उनके करेक्शंस आ गए तो उनको करेक्ट करना, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस हैं जहाज पे, मतलब जिनको जिनकी मदद ली जाती है जहाज चलाने में, जिन किताबों को रेफर किया जाता है, ठीक है, उनको अप टू डेट रखना, वो सब काम सेकंड ऑफिसर का होता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सेकंड ऑफिसर के बाद कौन, आप कहोगे भाई चीफ ऑफिसर। अब चीफ ऑफिसर की जो है टाइमिंग जो है वो भी 8 घंटे जहाज चलाएगा, और टाइमिंग्स क्या होंगी, आप कहोगे भाई सुबह 4 से 8 और उसके बाद शाम को फिर से 4 से 8, ठीक है भाई। सुबह 4 से 8 बजे तक जहाज चलाएगा चीफ ऑफिसर, उसके बाद शाम को फिर से 4 से 8 बजे तक जहाज चलाता है चीफ ऑफिसर। और इसके अलावा जो है
जहाज पे जितना भी मेंटेनेंस का काम करवाना, कार्गो लोड करना, मतलब उतरवाना, करवाना उतरवाना, वो सारा काम, मतलब जितनी भी और भड़क है ना दुनिया भर की, मतलब एक किस्म से आप ये मान के चलो कि एक जहाज पे सबसे ज्यादा काम जो है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वैसे तो ऑफकोर्स कैप्टन की होती है, बट जैसे सेकंड इन कमांड जो बंदा है ना, जो कि सबसे ज्यादा काम करवा रहा है, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, रिपोर्टिंग वोपोर्टिंग सब कुछ, मैक्सिमम जो काम है ना चीफ ऑफिसर का है, क्योंकि कैप्टन खुद तो करेगा नहीं, कैप्टन वो बताएगा चीफ ऑफिसर को, फिर चीफ ऑफिसर का काम है बाकी सबसे उस काम को करवाना, ठीक है। तो चीफ ऑफिसर जैसे जो स्टाफ है ना पूरा नीचे, बोसन हो गया, एबल सीमैन, ऑर्डिनरी सीमैन, ट्रेनी ओएस, इन सबसे काम करवाता है चीफ ऑफिसर, ठीक है। और प्लस जो कैडेट है, ये डेक कैडेट जो मैंने बताया था, ये भी डायरेक्ट जो है चीफ ऑफिसर के अंडर में आता है। चीफ ऑफिसर इसको जो इंस्ट्रक्शन देगा, जैसे इसकी ट्रेनिंग करवाएगा वैसा इसको करना होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज आपका कैप्टन। कैप्टन का काम मेनली है, सारा का सारा जो है शिप का सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैप्टन की होती है। जब एक कंपनी बैठी है, ठीक है, उसका ऑफिस है कहीं धरती पे और जहाज पे है कैप्टन, आपस में यही दोनों कम्युनिकेट करते हैं। कंपनी कैप्टन को बताती है कि भाई हमें कौन सा कार्गो कहाँ से लोड करना है, कब कौन से देश के किस पोर्ट पे पहुंचना है, जहाज कहाँ ले जाना है, वो सारी चीजें, ठीक है। प्लस जहाज पे क्या काम हो रहा है, कौन सा कार्गो लोड कर लिया, मतलब एवरीथिंग जो भी काम है ना, सारा रिपोर्टिंग जो है फिर कैप्टन मेल के थ्रू जो है कंपनी में भेजता है। तो बेसिकली कैप्टन का काम है पूरे जहाज को सेफ रखना, मतलब एक किस्म से मान के चलो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी का काम जो यहाँ पे कैप्टन का ही आ जाता है। इसी तरीके से जो है जिम्मेदारियां यहाँ पे आपकी यहाँ पे होते हैं इंजन डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। इंजन डिपार्टमेंट में एंटर करने का तरीका क्या है, आपको 12th क्लास के बाद आप करोगे मैरीन इंजीनियरिंग और इस तरीके से आप इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है यहाँ पे भाई ट्रेनी ओएस, ठीक है। ये जो लॉट है यहाँ पे नीचे भाई, ये वो लोग हैं जो ऑफिसर नहीं होते। अब ट्रेनी ओएस जब आप जहाज पे आओगे तो उसके लिए तरीका क्या है भाई, आप कोर्स करोगे कौन सा, जीपी रेटिंग का, ठीक है। जीपी रेटिंग का कोर्स करोगे और जीपी रेटिंग का कोर्स भाई, जरूरी नहीं है कि कोर्स करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी। यहाँ पे आपको तसल्ली थी जब आप IMUCT क्लियर करके कंपनी स्पॉन्सरशिप लेके जब आप DNS का कोर्स करते हो तो तसल्ली थी कि आप भाई टेक कैडेट में आओगे ही आओगे, क्योंकि कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप दे रखी है। लेकिन जीपी रेटिंग का कोर्स करने के बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सिर्फ 2-4 ही कॉलेज ऐसे हैं अपने देश के अंदर जो कि बढ़िया हैं और जहां से कोर्स करने के बाद अच्छे चांसेस होते हैं कि आप किसी बढ़िया कंपनी में प्लेस हो जाओगे और आप एक मर्चेंट नेवी में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। कॉलेजेस का नाम बताऊं तो मैं सबसे फेमस आप कहोगे, एक तो है TS रहमान, ठीक है, मुंबई में, दूसरा आपका नुसी गोवा में, और तीसरा आपका द ग्रेट ईस्टर्न महाराष्ट्र में ये है। तो ये तीनों कॉलेजेस ऐसे हैं जहां से अगर आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो बहुत ब्राइट चांसेस होंगे कि आपको किसी न किसी बढ़िया जहाज पे नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा और भी मतलब लगभग 40-42 कॉलेज और हैं अपने देश के अंदर जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स कराते हैं, लेकिन वहां से जीपी रेटिंग का कोर्स करके नौकरी मिल पाना मतलब बहुत 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 मुश्किल काम है। सो जैसे आपका TS रहमान हो गया, नूसी हो गया, ये क्या करते हैं, ये कॉलेजेस आपका एग्जाम लेते हैं, पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं। तो वो एंट्रेंस टेस्ट की भी अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहां से आप TS रहमान का, नूसी का, मतलब या फिर किसी भी और अगर कोई बढ़िया आपका जीपी रेटिंग का कॉलेज है तो उसके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पेपर आते हैं, जो स्टडी मटेरियल वगैरह है, आपको इस PDF के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब भाई ट्रेनी हो जब आप जहाज पे आओगे तो ट्रेनी हो उसके बाद फिर क्या तरीका है, जब आप ट्रेनी हो उसमें जहाज पे आ गए तो भाई यहाँ पे आपको सैलरी मतलब क्या मतलब बहुत ही कम होती है, यहाँ पे जो तनख्वाह होती है ना, मान के चलो ट्रेनी हो उसको डेकेडेट के बराबर लगभग मिल रही होती है, ठीक है, वही मान के चलो 25,000 से 40,000 के आसपास, ठीक है। फिर जब आपके एक दो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे ट्रेनी ओएस में, फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, फिर आप बन जाओगे एक्चुअल के ओएस, ठीक है। जब आप एक्चुअल में ओएस बन जाओगे तो आपके यहाँ पे सैलरी चली जाएगी लगभग मान लो 80,000 के आसपास, ठीक है। मैं रफ बता रहा हूँ यार, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, 80 हो सकता है, कोई 70 दे दे, कोई 1 दे दे, कोई 1-10 भी दे दे, हाँ। तो दैट डिपेंड्स कि आप कब ओएस बने थे, आपका कितना टाइम हो गया ओएस बने हुए, कितना मतलब आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, कितने आपके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, वो सब चीजें, ठीक है। ऐसी फिर आप जब AB बन जाओगे, AB में भी आपके जो है एबल सीमैन में भी आपकी सैलरी जो है 1 लाख प्लस ही रहेगी हमेशा, ठीक है। और ऐसे जब आप बोसन बनते हो तो बोसन में भी आपको 1.25 लाख के प्लस मिल जाएगी सैलरी। लेकिन ट्रेनी ओएस से बोसन बनने में मतलब आपकी दाढ़ी सफेद हो जाएगी, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट लगाने पड़ते हैं तब जाके आप एक बोसन बन पाते हो। और बोसन जो है आप मान के चलो ये जो क्रू होते हैं पूरे के पूरे, ठीक है, ये लो यहाँ पे आ जाओ, ये जो बोसन है ये जो सारा का सारा क्रू है भाई, इनसे काम करवाना है, फिर मान के चलो इन क्रू का हेड है बोसन, खुद भी काम करेगा। अब देखो जैसे मैं AB कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि जहाज पे एक ही AB होगा, हो सकता है जहाज पे 2 AB हो, हो सकता है जहाज पे 3 AB हो। OS की बात करूं तो हो सकता है जहाज पे 2 OS हो, ठीक है, ट्रेनिंग OS की बात करूं तो हो सकता है 1 हो या 2, कितने भी हो सकते हैं,
है ना, एक एडिशनल पोस्ट भी हो सकती है जहाज पे हेल्पर की, ठीक है, तो मतलब डिपेंड करता है। और इसी तरीके से आपके जो यहाँ पे हैं ये फिटर, ऑयलर, वाइपर, हेल्पर, ये भी वही बंदे हैं जो कि जीपी रेटिंग का कोर्स करके आते हैं। यानी जब आप जीपी रेटिंग का कोर्स करते हो तो या तो आप बन के आओगे एज ए ट्रेनी ओएस, या फिर आप बन के आओगे एज ए हेल्पर, फिर आप वहां पे इंजन साइड में रहोगे, वाइपर, ऑयलर, फिटर, ये सब इंजन डिपार्टमेंट में है, और ये आपके डेक डिपार्टमेंट के अंदर। मतलब डेक और इंजन की मैं बात करूं तो यहाँ पे चल क्या रहा है, जैसे आपका जहाज होता है ना, इस तरीके से ये जहाज रहता है, ठीक है भाई। ये जो आपका एकोमोडेशन हो गया जिसमें लोग रहते हैं, एक किस्म की बिल्डिंग है, 3-4 मंजिल की बिल्डिंग होती है जिसमें लोग रहते हैं, ये नीचे, इसके ठीक नीचे यहाँ पे होता है आपका इंजन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो और ये जो भी हिस्सा जो कि हवा से टच हो रहा है, जो कि ऊपर है, ये आपका सारा कहलाएगा डेक। अब बहुत सारे तरीके के डेक होते हैं, ये फोरकासल डेक है, ये आपका मेन डेक है, ये आपका पूप डेक है ना, बहुत तरीके के डेक होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा सरफेस जहाज का जो कि ओपन में है, जिसके डायरेक्ट हवा लग रही है, आप उसको कहोगे डेक, जिसके सीधी हवा नहीं लगती, जो आप नीचे है, ठीक है, ये तो जहाज के अंदर रह गया, इसमें कोई हवा हवा नहीं जाती डायरेक्ट, तो आप इसको कहोगे इंजन डिपार्टमेंट, ठीक है, ऐसा इस तरीके से मान सकते हो। यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कार्गो होल्ड्स होते हैं जिसके अंदर सामान लोड किया जाता है, ठीक है। तो डेक और इंजन में ये थोड़ा सा फर्क है। और यहाँ पे अगर बात करें तो भाई गैली डिपार्टमेंट में जब आप आते हो, स्टीवर्ड बन के आओगे, मतलब स्टीवर्ड बन के नहीं आओगे ऑफकोर्स, गैली डिपार्टमेंट में आने का तरीका क्या है, आप कोर्स करते हो सीसीएमसी का, ठीक है, सीसीएमसी का कोर्स जब आप करोगे तो वो कोर्स करके आप इस गैली डिपार्टमेंट के अंदर एंटर होते हो। अभी इसमें सबसे बड़ी जो पोस्ट है वो होती है आपकी चीफ कुक की। चीफ कुक होगा जहाज पे एक, जो कि सबका, जो भी 25-30 लोग होंगे जहाज पे, उन सबका खाना बनाएगा, और जो उसकी मदद करेगा खाना बनाने में वो होता है सेकेंड कुक, ठीक है। देखो ये जो चीफ कुक है ये खाना बनाएगा, और खाना बनाने में जो उसकी मदद करेगा, जैसे चीफ कुक कह देगा सेकंड कुक को कि भाई आटा गूंथ लो, ये सब्जी काट लो, ये मसाला फ्रिज से निकाल दो। फ्रिज भी जहाज पे जो होते हैं बड़े बड़े, एक एक अपना जो कमरा होता है उतने बड़े बड़े, वहाँ पे एक एक फ्रिज होता है, और 3-4 तरीके के फ्रिज होते हैं, हर एक का टेम्परेचर अलग अलग है। किसी में मतलब मांस मच्छी ये सब रखा हुआ है, किसी फ्रिज के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स रखे हुए हैं, किसी में डेयरी प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, मतलब इस तरीके के अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग कमरे होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। तो चीफ कुक काम करवाएगा अपने साथ सेकंड कुक को लेके, और जो स्टीवर्ड होता है, स्टीवर्ड का क्या काम है, स्टीवर्ड ये जो सारे ऑफिसर्स हैं, और ये जो सारे ऑफिसर्स हैं, इन सभी ऑफिसर्स का काम करना स्टीवर्ड का काम है। जैसे कि जब ये ऑफिसर खाना खा लेंगे तो इनके प्लेट्स धो देना, इनके ऑफिस से प्लेट्स जचा देना, इनके कमरों में जाके इनकी सफाई करना, बिस्तर बना देना, है ना, वो सब चीजें किसका काम है, स्टीवर्ड का काम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारी पोस्ट आती है आपके यहाँ पे मर्चेंट नेवी के अंदर, ठीक है। तो आई होप एक आपको ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा। सैलरी की बात करें तो ऑफकोर्स बहुत बढ़िया सैलरी है मर्चेंट नेवी की, लेकिन आज से अगर हम पीछे चले जाएं करीब 20 साल पहले, तो लगभग मान के चलो कि इतनी ही सैलरियां इनकी स्टार्टिंग से रही हैं। यानी कि मर्चेंट नेवी के अंदर सैलरी को लेके कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो मान के चलो यही सैलरी अगर 20 साल पहले होती तो सोचो पैसा कितना ज्यादा लगता है ना। तो मतलब इतने 20 सालों में इतनी सैलरी नहीं बढ़ी है जितनी कि बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में और ऑर्गेनाइजेशंस में बढ़ गई है। तो एक तरीके से हम ये कहें तो अगर आपको क्विक पैसा कमाना है तो मर्चेंट नेवी एक बढ़िया ऑप्शन है, और उसमें भी अगर आप आओ तो डेक कैडेट बन के आओ। कैसे? IMU CT का एग्जाम क्लियर करके, DNS का कोर्स करके, ठीक है। दूसरा तरीका ये है जीपी रेटिंग करके आओ। अगर आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं था तो जीपी रेटिंग करोगे आप, और जीपी रेटिंग के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ 10वीं चाहिए, ठीक है। इन सब चीजों के ऊपर इसी चैनल पे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, आप एक बार जाके देखो तो सही, कैसे 10वीं के बेस पे मर्चेंट नेवी में आया जाता है, बहुत वीडियोस मिल जाएंगी इसी चैनल पे। पुरानी वीडियोस देख लो, 1-2 साल पहले मैंने सब बनाया हुआ है। इसी तरीके से 12th के बेस पे कैसे मर्चेंट नेवी में आया जाता है वो वीडियोस मैंने बनाई हुई है। तो एक बार 5-7 वीडियोस देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर मैंने मोटा मोटा एक थोड़ा सा आइडिया दिया है कौन कौन सी पोस्ट होती है, क्या कुछ रैंक होती है, और क्या कुछ उनके काम होते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, मेरे सबसे वीडियो में इतना ही रखते हैं। और जैसा आपको पता है कि मर्चेंट नेवी का फील्ड थोड़ा सा ऐसा ही है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बेवकूफ बनाया जाता है। मतलब कुछ भी, कोई भी, कहीं से भी कोई भी कोर्स करवा देंगे, कुछ भी पैसा ले लेंगे, कोई भी सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे, जिससे फिर कोई नौकरी नहीं मिलती आगे ना। तो मतलब इस बात का फायदा उठाते हैं लोग, मतलब क्योंकि बच्चों को जानकारी नहीं है मर्चेंट नेवी में कैसा आया जाता है, तो इस जानकारी न होने का फायदा उठाते हैं बहुत सारे ऐसे मतलब फर्जी लोग, एजेंट वगैरह, मतलब कॉल करेंगे, कोई भी फद्दू सा एग्जाम ले लेंगे जो एग्जाम कोई होता नहीं, खुद ही एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, बच्चे को बोल देंगे हाँ हाँ तुम पास हो गए, लाओ अब इतने लाख रुपए दे दो, तुम्हारा मर्चेंट नेवी में सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे करके मतलब बर्बाद कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को। तो जितना हो सके, मैंने पहले भी काफी वीडियोज बनाई है, मैंने बताया है कि कैसे मर्चेंट नेवी में बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, और आपको बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है। तो उस वीडियो पे काफी बच्चों के कमेंट्स भी आए हैं कि आपके वीडियो देख के हम बच गए, हमारे साथ भी मतलब ऐसा फ्रॉड होने का मतलब कोशिश की गई थी,
तो वो सब चीजें हैं, तो थोड़ा सा देख लो यार, जो भी कोई बढ़िया वीडियो लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, जिससे लगे कि किसी का भला हो सकता है, तो अगर आपका हो गया तो वीडियो को दूसरे लोगों को भी शेयर करो, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और किसी और का भी भला होगा। ठीक है, तो चलिए गाइस रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।